रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया है। इस हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और ज्यादा मजबूत हो गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ पुतिन की चर्चा है। लोग पहले से ही उन्हें ऐसे राजनेता के तौर पर देखते आए हैं जो किसी से ना तो डरता है और ना ही झुकता है। 2015 में पुतिन ने कहा था कि 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया है, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। आपको बता दें कि 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए पुतिन को 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे केजीबी के जासूस और फौलादी इरादों वाले पुतिन ने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया है। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमिरोविच पुतिन है। 7 अक्टूबर 1992 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय और सफल राजनेताओं में की जाती है। 23 साल की उम्र में उन्होंने खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 1980 में केजीबी ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस रूस लौट आए और राजनीति शुरू कर दी। पुतिन पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस यल्टसिन के प्रशासन में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए थे। इसके एक साल बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बना दिया गया था। 1999 में बोरिस यल्टसिन ने पार्टी के भीतर और बाहर भारी विरोध के बावजूद पुतिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव आसानी से जीता। 2004 में एक बार फिर वो दोबारा राष्ट्रपति बने। तीसरी बार रूसी संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 2012 में पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बन गए और तभी से वो इस पद पर काबिज हैं। व्लादिमीर पुतिन अपने अंदाज को लेकर आज भी वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। पुतिन आज भी एकदम फिट रहते हैं। वो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि जासूस, मार्शल आर्ट मास्टर, पायलट, टैंक चलाने वाले सैनिक, निशानेबाज, स्पोर्ट्स कार चलाने वाले रेसर, बाइकर और पानी में शिकार करने वाले शिकारी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक हैं। पुतिन के पास करीब 20 आलीशान घर हैं। उनके पास यूरोप में भी कई घर हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उनके एक बंगले की कीमत तो $750 मिलियन है। पुतिन के पास एक दो नहीं बल्कि 58 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.